बाराबंकी में रोड पर भारी जल भराव, ग्रामीणों स्कूली बच्चों को हो रही है परेशानी, सफाई कर्मचारी की तैनाती न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती दिख रही है। यहां पर बाराबंकी में रोड पर भारी जल भराव, ग्रामीणों स्कूली बच्चों को हो रही है परेशानी। जी हां, बता दें यहां पर आवागमन में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सफाई कर्मचारी की तैनाती ना होने से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं और रोड पे बुरी तरह से पानी जमाव यहां पर देखा जा सकता है। बड़ी खबर आपको बाराबंकी से इस वक्त की बता रहे, जहां पर भारी जलभराव होने से ग्रामीणों को और स्कूली बच्चों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है, सफाई कर्मचारी की तैनाती न होने की वजह से यहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुलंदशहर में दबंगों के हौसले एक बार फिर से बुलंद दिखाई दिए, दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा और युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। दो नामजद आरोपी इस केस में हुए हैं गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में हुई है ये मारपीट की वारदात। थाना सिकंदराबाग का पूरा मामला। जिया बुलंदशहर में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद दिखाई दे रहे, यहां पर युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, युवक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें पिटाई का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें दबंग युवक को मारते हुए नजर आ रहे, दो नामजद आरोपी गिरफ्तार किए गए। लखनऊ में चुनाव आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई, यूपी उपचुनाव की होगी घोषणा। दस सीटों पर यूपी में होना है उपचुनाव। उपचुनाव को लेकर यूपी में पार्टियों की बड़ी तैयारियां देखी जा सकती हैं। चुनाव आयोग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही, दिल्ली में आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान आज, चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान करेगा। 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव। चुनाव आयोग की टीम ने हाल ही में किया था दौरा। ईसी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा का किया था दौरा। हरियाणा विधानसभा के भी चुनाव का ऐलान आज। जिया दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान आज होगा। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई, कोलकाता पुलिस ने जितेंद्र नारायण को भेजा नोटिस। 18 अगस्त को कोलकाता थाने में हाजिर होने के लिए दे दिए गए हैं निर्देश। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल फिल्म को लेकर नोटिस। 30 अगस्त को फिल्म की रिलीज से पहले नोटिस उन्हें दी गई है। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं वसीम रिजवी। लखनऊ में मौसम विभाग ने जारी किया है पूर्वानुमान।
मौसम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज और कल करना पड़ेगा गर्मी का सामना। 18 और 19 अगस्त को अच्छी बारिश के आसार। जी हाँ, ये दो दिनों अभी गर्मी का काफी यहाँ पर देख सकते हैं कि माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ में मौसम विभाग ने जारी किया है अपना पूर्वानुमान, आज और कल करना पड़ेगा गर्मी का सामना। 18 और 19 अगस्त को अच्छी बारिश के आसार। सावन के महीने में अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिपाही की करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है। नगर कोतवाली की मुरादाबादी चौक पर तैनात है ये सिपाही। पुलिस ने आरोपी सिपाही की सुरक्षित बाहर निकाला है। आपको बता दें, अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सिपाही की करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है अमरोहा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे। नगर कोतवाली की मुरादाबादी चौकी पर तैनात है ये सिपाही। पुलिस ने आरोपी सिपाही को सुरक्षित बाहर निकाला। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का ये पूरा मामला आपको बता रहे। मेरठ में बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आज मेरठ बंद रहेगा। दोपहर 1 बजे तक रहेंगे सभी मुख्य बाजार बंद। संयुक्त व्यापार संघ के द्वारा किया गया है बंद का आह्वान। डॉक्टर एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया। 1 बजे तक सभी डॉक्टर्स ओपीडी सेवा नहीं करेंगे। स्कूल एसोसिएशन ने भी अवकाश की घोषणा की। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार के विरोध में आज मेरठ बंद रहेगा। दोपहर 1 बजे तक रहेंगे सभी मुख्य बाजार यहां पर बंद। संयुक्त व्यापार संघ के द्वारा किया गया है बंद का आह्वान और यहां पर विरोध नजर आया है। आपको बता दें, डॉक्टर एसोसिएशन ने बंद का समर्थन किया है। 1 बजे तक सभी डॉक्टर्स ओपीडी सेवा नहीं करेंगे।